फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है अरविंद क्लासेस के इस वीडियो चैनल में, जिसमें मैं फिर से लेकर के आया हूँ लाइंस ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके लिए एक और जानकारी। दोस्तों, अभी तक आपने देखा था MyLci ऐप के बारे में। मैं आपको पहले बता दूं कि इसके पहले मैं दो पार्ट वीडियो में डाल चुका हूँ और ये मेरा तीसरा पार्ट है। तो अभी तक मैंने आपको बतलाया था MyLci ऐप के बारे में, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, मतलब कि सर्विस एक्टिविटी के अलग भी जो हमारी ड्यूटी होती है, जैसे क्लब में मेंबर्स को जोड़ना, क्लब से मेंबर्स के नाम हटाना, या फिर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा इंटरनेशनल ड्यूज़ कितना है, तो वो सब हम लोग कैसे जानेंगे। दूसरी चीज़ कि हम लोग इंटरनेट पे वेब पेज पे लॉगिन कैसे करेंगे मोबाइल के माध्यम से। तो चलिए आपको इसके बारे में बतलाते हैं। इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है गूगल क्रोम का। तो मैं यहाँ गूगल क्रोम खोल रहा हूँ और यहाँ पर हम अपना वेबसाइट जो है हमारी, उसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ linesclubs.org। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि गूगल क्रोम पे जब आप काम करेंगे तो एक चेंज आप और कर सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे जो तीन बिंदी आप देख रहे होंगे, थ्री डॉट्स, यहाँ पर जाकर डेस्कटॉप साइट को ओके कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट को ओके करने से जिस प्रकार से आपका वीडियो लैपटॉप पे ये खुलता था, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर खुलेगा। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे ये खुल रहा है और आप देखिए यहाँ पे हमने इसको डेस्कटॉप साइट ओके किया हुआ है। और यहाँ इस तीन बिंदी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेंबर लॉगिन का। मैं आपको लार्ज करके दिखला रहा हूँ, ये देखिए मेंबर लॉगिन, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। मेंबर लॉगिन पे क्लिक करने से हमें यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है लॉग इन टू MyLci, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलकम टू योर लाइन अकाउंट का एक पेज आ गया है। और जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने डाला था, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपको यहाँ पर डालना है। मैं फिर से इसको यहाँ पर डाल रहा हूँ, मैं पासवर्ड हाइड। यस फ्रेंड्स, तो ये मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया और देखिए मैं इसको साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पांच तरह के यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। ये देखिए आपके सामने पांच ऑप्शन आ चुके हैं, MyLci, MyLci, शॉप, इनसाइट्स और लर्न। मैं सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जिस प्रकार आप, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आप MyLci ऐप के जरिए काम कर रहे थे, यहाँ पर भी हम MyLci के जरिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इन पांचों के बारे में छोटी सी जानकारी दे दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर डिटेल में ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि MyLci इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। आप मेंबरशिप को मैनेज कर सकते हो, अपना क्लब का वोटर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, आपका ड्यूज चेक कर सकते हो। MyLci के जरिए आप जो है डिफरेंट सर्विस एक्टिविटीज़ को आप प्लान कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। शॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पर। लाइंस वेबसाइट से अगर हम लोग कुछ सामान खरीदना चाहें तो उसके लिए शॉप का यूज़ है। इनसाइट्स काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं इसके बारे में आगे में बताऊँगा। इनसाइट्स में हम लोग मेंबरशिप ट्रेंड, सर्विस एक्टिविटीज़ किस हिसाब से रिपोर्टेड हुई है, वो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एक लाइन लर्निंग सेंटर का, लर्न का ऐप है, जहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो कि आप बिल्कुल एक लाइन मेंबर के रूप में एलिजिबल हैं इसको एक्सेस करने के लिए और आगे चलने के लिए। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको MyLci की तरफ। MyLci के नीचे जो गो का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारे पास एक पेज खुलेगा अभी आपके सामने। ये देखिए एक पेज खुल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा MyLci का होम पेज खुल चुका है। यहाँ पे मैं आपको इसको इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऊपर में एक जगह लिखा हुआ है सेलेक्ट अ डिफरेंट टाइटल। ये ऑप्शन आपका तब आता है जब आपको दो रोल असाइन किया हुआ हो। यहाँ पे आप देखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेयरपर्सन अरविंद कुमार। तो अगर मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा रोल असाइन होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका हायर पोस्ट होता है उसके हिसाब से ये खुलता है। तो चलिए मैं इसको चेंज करके, मैं क्लब एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, अपना क्लब एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट मैं लॉगिन कर रहा हूँ, क्लब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इसको चेंज कर रहा हूँ। जी हाँ,
किसी भी क्लब में ये आपको पेज दिखेगा माय टास्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे माय क्लब के बारे में जानकारी दी हुई है, यहाँ पे माय इन्फो दिया हुआ है, और यहाँ नीचे में माय ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे सर्विस एक्टिविटी के बारे में केवल एक सूचना दी हुई है कि ये सर्विस एक्टिविटी आप यहाँ से अब रिपोर्ट नहीं कर सकते। पुराने वाले सिस्टम में सर्विस एक्टिविटी यहाँ से रिपोर्ट कर सकते थे। और यहाँ पर मेंबरशिप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी माह तक का मैंने रिपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो जो महीने का आप रिपोर्ट करेंगे उसमें ये टिक मार्क अपने आप बन जाएगा, और इस वक्त हमारे 42 मेंबर्स हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब ऊपर के ऑप्शंस पे आते हैं, होम, MyLci क्लब, माई डिस्ट्रिक्ट, माई मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप देखिए MyLci क्लब पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें से सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है वो मेंबर्स का है। चलिए देखते हैं मेंबर्स में क्या होता है। मेंबर्स पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाती है आपके क्लब के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे जिनकी लिस्ट आ गई है। अब खासियत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस साइड आप देखिए, इस साइड कुछ ऑप्शंस हैं, एडिट मेंबर, ड्रॉप मेंबर, मैनेज फैमिली यूनिट, व्यू हिस्ट्री। यहाँ पर आप किसी भी मेंबर को एडिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आप क्लब के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो। सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी मेंबर को एडिट कर सकते हैं, और हेड ऑफ हाउसहोल्ड जो हम लोग बोलते हैं कि फैमिली मेंबर, तो वो भी यहीं से क्रिएट किया जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी मेंबर को इसी ऑप्शन से आप एडिट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके किसी महीने में कोई भी मेंबरशिप रिपोर्टेड नहीं है, किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट नो चेंज फॉर मंथ पे क्लिक कीजिए। और जैसे आप देख सकते हैं कि जनवरी और फरवरी स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है, इसलिए स्ट्राइक ऑफ है क्योंकि मैंने इसकी रिपोर्टिंग ऑलरेडी कर दी थी। तो यहाँ पे मार्च अब केवल बच गया है, तो अगर मैं मार्च की भी रिपोर्टिंग कर दूँ तो देखिए क्या ऑप्शन आता है आपके सामने। ये देखिए, रिपोर्ट नो मेंबर ट्रांजैक्शन। यदि आपने कोई भी मेंबर बढ़ाए नहीं हैं या घटाए नहीं हैं तो वैसी परिस्थिति में आप यहां से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यू डू नॉट हैव एनी मेंबरशिप रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन दिस मंथ। तो ये थी बात मेंबरशिप की। अब एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑफिसर्स पर आप क्लिक कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ऑफिसर्स की आपकी पूरी लिस्ट जो है आपके क्लब के ऑफिसर्स की, वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे क्लब प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं ऑफिसर के जस्ट नीचे में, सेलेक्ट टर्म। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं देखिए यहाँ पर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड पास्ट ईयर्स। तो मान लीजिए अभी मार्च का महीना चल रहा है और बहुत सारे लोग PU 101 की तैयारी भी करेंगे, हालांकि कोरोना के कारण अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है ये, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर की रिपोर्टिंग करना चाहेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर पर जब आप क्लिक करते हैं तो मैंने जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिपोर्ट ऑलरेडी करी हुई है, यहाँ पर ये देखिए एड ऑफिसर का बटन है। तो सबसे पहले आप इधर ये देख लीजिए कि ये कौन सा है, क्लब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद एड ऑफिसर। जब आपके क्लब के इलेक्शंस हो जाते हैं तब आप यहाँ से अपने ऑफिसर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने पोस्ट्स को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा, इतने पोस्ट्स के अलावा, अगर आप एडिशनल कुछ लोकल भी कुछ बनाए हैं तो उसको भी यहाँ से आप देख सकते हो कि लोकल टाइटल भी यहाँ पे है। जैसे कुछ आप अपने क्लब में चेयरपर्सन बनाए होंगे तो उन सभी को लोकल टाइटल के जरिए रिपोर्ट किया जा सकता है। और लाइन्स क्लब एडमिन यानी कि जो क्लब के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा हो, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इजाज़त से। तो यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है चूँकि आई एम द एडमिन ऑफ माई क्लब, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी मेंबर्स को ऐड करने, मेंबर्स को ड्रॉप करने, और ऑफिसर्स को ऐड करना या अगले सत्र के लिए ऑफिसर्स के चुनने को लेकर। एक अंतिम मैं आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। जैसे स्टेटमेंट एंड ड्यूज, ये देखिए यहाँ पर अब जब आप क्लिक करते हो तो इस जगह पे आपका स्टेटमेंट दिखा देता है कि कितने डॉलर का आपका बैलेंस है, कितना डॉलर आपको जमा करना है। उसके अलावा एक और अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, कन्वेंशन आप देख पा रहे होंगे।
कन्वेंशन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो कन्वेंशन, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन हो, मल्टीपल कन्वेंशन हो, तो कितने मेंबर वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, कितने डेलीगेट्स आप दे सकते हो, वो सारी जानकारी यहाँ पर होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों के लिए एक असाइन डेलीगेट का भी ऑप्शन होता है कि हम लोग डेलीगेट को असाइन भी कर सकते हैं यहाँ से अगर चाहें तो। तो ये सारी जानकारी थी के बाद MyLCI से रिलेटेड। ये जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि एक क्लब में मेंबर्स को ऐड करना, मेंबर्स को ड्रॉप करना, स्टेटमेंट देखना कितना हमारा इंटरनेशनल ड्यूज है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि ऑफिसर्स की भी रिपोर्टिंग मैंने आपको बतलाई। तो ये थी ट्रेनिंग MyLCI से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें अरविंद क्लासेस को, ताकि मैं और भी ज़्यादा जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।